मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। 18वीं लोकसभा का चुनाव सकुशल संपन्न हो गया, नई सरकार का गठन भी हो गया। सरकार के मंत्रियों और प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ले ली। उनका यह तीसरा कार्यकाल होगा और जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाले यह भारत के इतिहास में दूसरे व्यक्ति हुए हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे कि ओम बिड़ला जो 17वीं लोकसभा के लिए भी लोकसभा के सदन के नेता थे, अर्थात लोकसभा के स्पीकर थे, इस बार भी विपक्ष के द्वारा उम्मीदवार उतारे जाने के बाद भी ओम बिड़ला 18वीं लोकसभा के लिए भी लोकसभा के स्पीकर निर्वाचित किए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं। तो हम आज की इस कक्षा में जानेंगे कि लोकसभा के क्या कार्य होते हैं, क्या अधिकार होते हैं, क्यों इस पद को लेकर पक्ष और विपक्ष में विवाद की स्थिति आ खड़ी हो गई थी। तो आइए हम इस देखते हैं क्या है हमारे वीडियो सेशन का टाइटल। ओम बिड़ला पुनः लोकसभा की स्पीकर चुने गए। लोकसभा स्पीकर की शक्तियां क्या होती है, क्या पावर होती है, उनका फंक्शन क्या होता है, किस प्रकार वह कार्य करते हैं, क्या वह लोकसभा के सबसे बड़े अधिकारी के रूप में काम करते हैं या कौन कौन सी विशेषताएं हैं, हमारा संवैधानिक प्रावधान क्या कहता है, इन सभी मुद्दों पर आइए बात ही कर लेते हैं। तस्वीर देख रहे हैं चुने गए 18वीं लोकसभा के स्पीकर, ये ओम बिड़ला जी हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हाथ मिला रहे हैं दोनों लोग बहुत शानदार तरीके से। जानिए लोकसभा स्पीकर की शक्तियों के बारे में। तो आइए हम लोकसभा स्पीकर की शक्तियों के बारे में जानते हैं। जो हमारा संविधान है, संविधान का अनुच्छेद 93 यह व्यवस्था करता है कि लोकसभा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में दो सदस्यों का चयन करेगी। यह लोकसभा ही अपने लोकसभा के कार्यों के संचालन के लिए अपने ही सदस्यों में से लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दो व्यक्तियों का चयन करती है। यह हम नहीं, हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 यह बात कहता है कि जो भारत में अध्यक्ष का मतलब लोकसभा के अध्यक्ष से है, का कार्यकाल एक जीवंत और गतिशील संस्था है जो संसद की वास्तविक जरूरतों तथा समस्याओं को हल करता है। इसका मतलब 18वीं लोकसभा जब तक चलेगी, 18वीं लोकसभा का कार्यकाल जब तक रहेगा, वैसे सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, तो जो लोकसभा का स्पीकर होता है और डिप्टी स्पीकर दोनों 5 वर्ष तक के लिए काम करते हैं, और जब तक अगली लोकसभा का गठन नहीं कर लिया जाता है, गठन और शपथ ग्रहण के पूर्व तक जब तक लोकसभा अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता है, तब तक यही लोकसभा अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। अध्यक्ष सदन का संवैधानिक और औपचारिक दोनों प्रकार का प्रमुख होता है। लोकसभा के लिए एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा हेतु एक सभापति और उपसभापति होता है। राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वह भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो आपको बताएं, प्रश्न यह पूछता है कि क्या भारत के उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है? तो जो भारत का उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति के पद के लिए उसको वेतन नहीं मिलता है, चूंकि वह राज्यसभा जो हमारे जो दो सदन है उसमें उच्च सदन राज्यसभा होता है, कभी भंग न होने वाला यह सदन है, यह सभा है। तो राज्यसभा का सभापति होने के एवज में उपराष्ट्रपति को वेतन और भत्ते मिलते हैं। अब आगे हम आइए बात वाचन, उसके लिए मानदंड क्या होते हैं, कौन सा व्यक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के पद के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो सकता है, तो इसको हम देखते हैं। जो हमारा भारतीय संविधान है उसके अनुसार अध्यक्ष को सदन का सदस्य होना चाहिए, अर्थात जो अध्यक्ष है वह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, तभी वह अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार या उसके मानदंड को पूरा करेगा। अगली बात यह होती है कि जो अध्यक्ष होता है वह सत्ताधारी दल के सदस्य को अध्यक्ष चुना जाता है। यह एक प्रक्रिया नहीं है, एक परंपरा के रूप में आजादी के बाद से विकसित हुई है। और वही जिसके अंतर्गत सत्तारूढ़ दल सदन में अन्य दलों और समूहों के नेताओं के साथ मिलकर अनौपचारिक परामर्श के बाद अपने उम्मीदवार को नामित करता है। लेकिन 18वीं लोकसभा में लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर विवाद की स्थिति आ गई थी और पक्ष सत्तारूढ़ दल के द्वारा ओम बिड़ला को नामित किया गया था उम्मीदवार के रूप में, और वहीं विपक्ष के द्वारा इंडी गठबंधन के द्वारा के सुरेशम को उम्मीदवार के रूप में घोषित किया गया था। बहरहाल के सुरेशम नहीं जीत पाए और ओम बिड़ला दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए, निर्वाचित हुए। अब मतदान की प्रक्रिया क्या होती है? अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा सदस्यों में से सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से होता है। सदन में
जितने लोकसभा के सदन में जितने उपस्थित सदस्य हैं उनके साधारण बहुमत, साधारण बहुमत मतलब अगर 100 लोग उपस्थित हैं तो 50 से ज्यादा लोग जिसके पक्ष में मतदान करेंगे वही लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाएगा, वही साधारण बहुमत होता है, मतलब 50% + 1। की बात कर लेते हैं तो जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष का यहां से संबंध, इस वीडियो से संबंध लोकसभा के अध्यक्ष से है। लोकसभा अध्यक्ष अपने चुनाव की तारीख से अगली लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक अपने पद को धारण करता रहता है। अब जान लेते हैं कि क्यों अध्यक्ष के पद को लेकर इतनी खींचातानी हुई, कुछ तो महत्वपूर्णता रही होगी। तो आइए हम देखते हैं कि अध्यक्ष की भूमिका और शक्तियां क्या है। वह सदन के अंदर भारत के संविधान के प्रावधानों, लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों तथा संसदीय मामलों का अंतिम व्याख्याकार होता है। साथ ही साथ वह इन प्रावधानों की व्याख्या के मामलों में अक्सर ऐसे निर्णय देता है जिनका सदस्यों द्वारा सम्मान किया जाता है और जो प्रकृति में बाध्यकारी होते हैं। ऐसा नहीं है कि अध्यक्ष द्वारा जो निर्णय दे दिया गया उसको जो सदस्य हैं वो नहीं मानेंगे, नहीं, बिल्कुल वह मानने के लिए बाध्यकारी होता है। साथ ही साथ वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो होती है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। प्रश्न यह पूछा जाता है कि जब संसद की संयुक्त बैठक को बुलाई जाती है तो बुलाने का काम कौन करता है? तो हमारे राष्ट्रपति महोदय करते हैं। आगे वह सदन को स्थगित कर सकता है या सदन की कुल संख्या का 10वां भाग जो गणपूर्ति होती है, अगर सदन की संख्या हमारी 543 है उसका 10% हिस्सा अगर सदन में उपस्थित नहीं हुआ तो गणपूर्ति नहीं होती है और सदन को भंग कर दिया जाता है, स्थगित कर देता है। अध्यक्ष पहली बार में मत नहीं देता है लेकिन बराबरी की स्थिति में अध्यक्ष को मत देने का अधिकार होता है। चूंकि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह तो पद धारण कर लिया, उसके बाद उसका पार्टी से ज्यादा लेना देना नहीं होता है, लेकिन अगर किसी विषय को लेकर मतदान की स्थिति आ गई और पक्ष और विपक्ष में बराबर का मत पड़ गया तो बराबरी मत की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष अपना मत देता है, अन्यथा की स्थिति में वह साधारणतः अपने मत का प्रयोग नहीं करता है। वह किसी विधेयक को धन विधेयक होने या नहीं होने का फैसला करता है और उसका निर्णय अंतिम होता है। अगर किसी विधेयक पर बहस छिड़ जाए कि ये अमुक विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है या साधारण विधेयक है या वित्त विधेयक है तो लोकसभा अध्यक्ष ही फैसला सुनाता है कि अमुक विधेयक जिस पर विवाद की स्थिति बन गई है वह धन विधेयक है कि नहीं, अर्थात धन विधेयक पर अंतिम फैसला देने वाला अधिकारी लोकसभा का अध्यक्ष ही होता है। 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत दल बदल के आधार पर उत्पन्न होने वाले लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय भी अध्यक्ष ही करता है। हालांकि अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है, दल बदल कानून पर जो निर्णय आता है लोकसभा अध्यक्ष करेगा, लेकिन इस दल बदल कानून का जो यह निर्णय देगा वह न्यायिक समीक्षा के दायरे में अर्थात आता है, अर्थात जो सदस्य है वह सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय की शरण में जा सकता है इनके फैसले के खिलाफ। अध्यक्ष सदन उसकी समितियों और सदस्यों के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का संरक्षक होता है। विशेषाधिकार के किसी भी प्रश्न को परीक्षा, जांच और प्रतिवेदन के लिए विशेषाधिकार समिति को सौंपना अध्यक्ष पर निर्भर करता है। जो विशेषाधिकार समिति होती है उस पर किस मामले को सौंपा जाएगा, नहीं सौंपा जाएगा, पूरा दारोमदार लोकसभा अध्यक्ष का होता है। हमने आज के इस वीडियो सेशन में जाना कि लोकसभा अध्यक्ष का पद क्यों महत्वपूर्ण है, उसके कार्य क्या है, उसके अधिकार क्या है, इन तमाम मुद्दों को जाना। धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है कि वित्त विधेयक है, साधारण विधेयक है, उस पर अंतिम फैसले का अधिकार किसका है, जो हमारा दल बदल कानून है उस पर भी निर्णय सुनाने का अधिकार किसको है, लेकिन वह निर्णय क्या न्यायिक समीक्षा से परे है या न्यायिक समीक्षा से के अंदर तहत आता है। अगर हमारा यह वीडियो सेशन आप लोगों को पसंद आता हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिए और आपके विचारों के आधार पर ही हम अपनी कक्षाओं को फ्रेम करते हैं। पुनः ऐसी ही दिलचस्प और जानकारी भरी वीडियो सेशन के साथ हम लगातार उपस्थित होते रहते हैं। पुनः मिलेंगे। नमस्कार।